develop a sugar disease like this. हम बच्चे को आपसे शिक्षा लेके इंसान बना सकते हैं हो जाए तो ठीक है। आपसे तो सबसे ज़्यादा पहले सीखा इंसान ही इतने बड़े बड़े लोग ये हमारे स्कूल का गार्जियन था तो हम जहाँ वो बैठते थे वो एरिया जो है वहाँ हम नहीं बैठते, हम साइड में बैठते थे। साइड में बैठे हर चीज सीखने का भी ये वो जो बच्चा सेंटर उनका जगह है बिल्कुल तो वहाँ हमारा बैठना उचित नहीं है। आप बैठो যেটা বলবার সবাই একটু চুপ করো কারণ এক মহান হস্তি মহান কলাকার আমাদের স্কুল মে আয়ে ये तो सही है मगर जाकिर भाई का जगह हमारे जिंदगी में सबसे अलग है। कई मर्तबा आप लोगों को हमने बताया कि हमारा जिंदगी का शुरुआत संगीत रिसर्च अकेडमी में किशोर साहब साहब के साथ हुआ है। बाहर टूर में जाकिर भाई संगीत रिसर्च अकेडमी को आगे बढ़ाने के लिए खुद ड्राइव करके हम लोग को ले जाते थे, तबला बजाते थे, कभी तंबूरा भी बजाया और सब कुछ करके संगीत रिसर्च अकेडमी के लिए इतना उन्होंने सेवा किया जो कि हमारी जिंदगी में हर चीज तालीम है। मैं जब शुरू शुरू में अमेरिका गया था जब हमारे पास एक पैसा नहीं होता था जेब में आके डॉलर भी नहीं होते थे इसको रखिए आपका कभी इधर उधर खर्च करने में जरूरत होता होगा तो ये हमारा एक दिन में आवाज खराब हो गया था मुंबई में जाकिर भाई किसी जगह जाके असली घी लाके हमें वो लेने के लिए बोला हल्दी के साथ इसको पीजिए आपका गला ठीक हो जाएगा। ये उनके लिए शायद इतनी बड़ी बात नहीं है मगर हमारे लिए और इस श्रुति नंदन कॉन्सेप्ट के लिए आप सबका ये शिक्षा है कि कैसे कलाकार बड़े होते हैं, कैसे अपना जिंदगी को उन्होंने आगे ले जाते हैं। मैं देखा हर शहर में आज नहीं 30 साल 32 साल पहले से हर शहर में जो बड़े कलाकार नामी घरानेदार उस्ताद होते थे या उनके पोता होते थे उनका बेटा होते थे हर एक जगह जा के उनको उन्होंने नजराना देते थे और उनसे कुछ हासिल करने का जरूरत है या नहीं है वो कोई बात नहीं है लेते थे। आज कोई कलाकार ये सोच नहीं सकता कि कैसे इस चीज को अपने जिंदगी में उन्होंने शिक्षा दिया और कैसे उन्होंने कहा से अब दुनिया में भारत का मुंह अभी उस्ताद जाकिर हुसैन है। हमारे बिल्कुल एक जमाने तक लता मंगेशकर रविशंकर जी अली अकबर खान साहब मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ अब्बा जी सभी लोग भारत को आगे ले गए और भी बहुत कलाकार थे मैं शायद हर एक का नाम नहीं ले पाया मगर जाकिर भाई का ये जो शिक्षा है ये हमने हर पल याद रखने का कोशिश करता हूँ और उनसे संगीत जीवन में संगीत के बारे में तो सीखा ही उनसे काफी चीज मैं सीखा अभी भी सीखता हूँ लय रखना मुश्किल होता है उनके साथ ही तो आप जानते हो मगर इसके बजाय जो इंसानियत के बारे में हमने सीखा आज जाकिर भाई को यहाँ मैं तकलीफ दिया इतना उनका आंखों में थोड़ा सा तकलीफ है फिर इतना दूर से आए हैं उनका आराम नहीं मिला आधे घंटे के लिए मैं बोला था उनका आने के लिए केवल इसीलिए कि आप लोग जानिए कि ऐसा भी इंसान होते हैं। कलाकार तो अनपैरेलल सबसे ऊंचा है ही
मगर इंसानियत सीखना चाहिए। इंसानियत सीखने के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम हमेशा सोने सोने के अक्षर में लिखा हुआ होगा। तो इनको देख के केवल आप फाइव स्टार और बहुत भीड़ होता है और बहुत नामी कलाकार है, वो तो है, मगर मैं उनके मुंह के अंदर हमेशा वो देखता हूँ कि कैसे आज भी उन्होंने शिक्षा दिया कि गुरु जी का पैरल उन्होंने बैठा नहीं, उनका फोटो के बराबर उन्होंने बैठा नहीं, उन्होंने आके बैठा। हर एक चीज में सीखने का है। खैर, मैं स्कूल की तरफ से उनको थोड़ा प्रणाम करूंगा, इसके बाद एक दो शब्द जाकिर भाई का सुन के उनको हम देर नहीं करेंगे। मैं क्या दे सकता हूँ? आपने इतना बड़ा चीज दिया, तो रोना आ रहा है कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। आपने जो दिया ये बहुत बड़ा चीज है, मेरे पास है ही नहीं। हाथ तो शराब सोया है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। हाँ, वेरी वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। थोड़े बड़ा बड़ा शब्द बोला है। मैं इस लाइन नहीं है कि जो ऐसी जगह पे मुझे ये रखते हैं, ये अपने दिल में मुझे रखें और मेरे से प्यार एक भाई के जैसा करें, मेरा बस यही ईश्वर से प्रार्थना है और कुछ नहीं है। मुझे एक बार मेरे पिताजी ने बोला था कि बेटा, उस्ताद बनने की कोशिश मत करो, एक अच्छे शिष्य बनोगे तो सारे काम आसान हो जाएंगे। आदमी जब उस्ताद बनता है तो ये सोचता है कि अभी मैं उस्ताद बन गया, मैं सब सीख गया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप घर से सवेरे निकलेंगे तो हर रोज कुछ ना कुछ नया देखने को, नया सीखने को मिलता है। तो हर रोज शिक्षा का दिन है, तो सीखने का दिन है, सिखाने का दिन नहीं है। जब गुरु सिखाता है तो वो भी सीखता है कि कैसे सिखाना है। तो हर चीज एक शिक्षा है। तो अपने आप को कभी ऐसा मत सोचो कि मैं अब वो ऐसा गुरु जी जैसा बनूंगा या वो उस्ताद जैसा बनूंगा। आपको बस एक शिष्य बनना है और अच्छा शिष्य बनना है और अपनी कला के साथ दिल से दोस्ती, दिल से प्रेम करना है। अगर आप उससे प्रेम करोगे तो वो आपसे प्रेम करेगी कला। और जब आप दोनों का दिल एक जैसा हो जाएगा तो आपका काम बन गया है, आगे रास्ता क्लियर है। तो ये है, मुझे हमेशा पिताजी बोलते थे कि मैं तो सरस्वती का पुजारी हूँ और तबले से मुझे प्यार है और मैंने इससे प्यार किया है और उसने मुझसे प्यार किया है, तब जाके ये रिश्ता ऐसा बना
कि दुनिया ने उस प्यार को नमस्कार किया, तो वही है आप भी उस प्यार को अपने सांस के साथ, अपने गले के साथ, जो भी है उस प्यार को आप ढूंढिए और उस प्यार को बनाइए, और वो जब प्यार बनेगा तब जाके आपका गाना बजाना मतलब सोने जैसा हो जाएगा। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अगर आप इसको काम समझ के करेंगे तो हर रोज मुश्किल होती है, क्योंकि लोग काम पे जाने को परेशान होते हैं, यार काम पे कौन जाएगा, आज वेंसडे है लेकिन उसको संडे कर लेते हैं चलो। तो ये काम नहीं है, ये एक प्यार मोहब्बत का अपने दोस्त भाई बहन पिता माता जो भी है उनके साथ बैठ के एक मतलब प्यार का वातावरण पैदा करने का काम है संगीत। तो बस इतनी सी बात मुझे मालूम है, मैं जब भी बजाने बैठता हूँ तो मेरा यही होता है, मुझे प्यार है उस चीज से, तो मैं उसका आनंद लेता हूँ और इंजॉय करता हूँ संगीत। और जो कलाकार जिनके साथ मैं बैठा हूँ उनकी कला का भी आनंद और एंजॉयमेंट, तो अगर वो नहीं होगा तो मेरा उनके साथ मेल मिलाप कैसे होगा, बातचीत कैसे होगी। तो बस इतनी सी बात है, शिष्य बनो और अच्छे शिष्य बनो, और बाकी अब ज्ञान जैसे आदमी हैं अपने आखिरी उम्र में भी टेप कहीं से लेके आके उनको सुनना, बंदिश को देखना, उसको एनालाइज करना, मतलब हर चीज के ये कैसे कंपोजिशन कैसे हुआ क्या हुआ, तो एंड तक वो सीख रहे थे। तो आदमी पैदा होता है और सीखना शुरू करता है और आखिरी दिन भी सीखते ही जाता है, तो ये बात है और बाकी कुछ नहीं है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सवेरे सवेरे आए, और आप सबको बधाई कि आप ऐसी जगह में हैं जहाँ पर संगीत का आशीर्वाद बड़े बड़े गुरुजनों से यहाँ पर आया है, तो उसका लाभ आप उठाइए और अपना प्रेम संगीत के साथ बनाइए। बस इतनी सी बात है, थैंक यू। स्कूल कैसा लगा? स्कूल मतलब ये क्या है, ये तो स्कूल नहीं, ये तो आश्रम है। और मतलब उस तरीके का वातावरण यहाँ पर है जहाँ पर आप बैठ के अपने मतलब गुरु भाई गुरु बहनों के साथ संगीत की चर्चा जब चाहे कर सकते हैं, और जब चाहे किसी गुरुजन के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, जब चाहे कोई सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो हर तरीके की विद्या आपके सामने यहाँ पर खुली हुई है और मिल रही है, और दिल से दे रहे हैं, प्रेम से आपके सामने रख रहे हैं, तो इतना अच्छा वातावरण कहाँ मिलेगा, कौन सी जगह में मिलेगा। हम अमेरिका में बैठ के ऐसे ही बैठ के उस्ताद अली अकबर खान साहब को देखते थे, सिखाते थे, और हम सोचते थे कि ये लोग कितने, हम लोग कितने मतलब भाग्यशाली हैं, उस्ताद अली अकबर खान साहब बैठ के हमको राग के बारे में बता रहे हैं और बंदिश सिखा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है। तो आपके सामने तो गुरु जी बैठे हैं, अलाउद्दीन खान साहब बैठे हैं, बड़े गुणावली खान साहब बैठे हैं, और इतने बड़े बड़े लोगों ने इसका उद्घाटन किया है, शिवजी ने स्टूडियो का उद्घाटन किया है। तो जब ऐसे बड़े बड़े लोग आपके सामने, अजय भाई बैठे हुए हैं, लेकिन अजय भाई नहीं बैठे हुए हैं, ये सब लोगों का आशीर्वाद आपके सामने बैठा हुआ है, तो इस आशीर्वाद को आप उसी तरह से लीजिए। आप इनसे ही नहीं सीख रहे हैं, आप इन सबसे सीख रहे हैं।
तो इस चीज को समझिए और इसका इम्पोर्टेंस जानिए, बस इतनी सी बात है। और इसी तरह से इसी श्रद्धा से उसके साथ प्रेम करेंगे तो आपका काम ठीक ठाक हो जाएगा। तो मुझे ये स्कूल देख के इतना आनंद आया कि मतलब हम जैसे सोचते हैं कि एक जमाने में आश्रम रहा होगा किसी का, और उस आश्रम में लोग आके शिष्य बना के बैठे होंगे, रह रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो क्या वातावरण होगा, वो सोच के और आज देख के लगता है कि ऐसा ही शायद होगा। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ सच कि आज मुझे यहाँ इतने सालों के बाद, ये बनने के बाद आने का चांस मिला। मैंने तो टिकट नंबर लेके रखा था लेकिन नंबर आया नहीं, आज नंबर आया था। So I'm very happy and very glad, and we must wish the young man also for his approaching old age. कितने साल के हो गए? 60 हो रहा है। 60 हुआ तो 60 हुआ और 7 हुआ क्योंकि इनका भी 60 हुआ और मेरा भी 60 हुआ। So I'm also 61 now. So, so good luck for the rest of your life, because if the rest of your life is anything like what the life has been so far, then it is the most blessed life that can ever be. So thank you very much.